बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे असमाय हुसना में से तेईसवें नंबर पर ट्वेंटी थर्ड वो गई तेईसवा जो है वह है, है अलखाफिद अलखाफिदो का माना है पस्त करने वाला ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताल खासा है कि अल्लाह तबारक व ताला को फ़ारो मशर्क को शर्क और जलालत की गुमराही के ज़रिए से पस्त कर देता है इसी तरीके से ालमों को उनके म्म की वजह से पस्त करता है इसी तरीके से इंसाफ के तराजू को पस्त करता है क्योंकि एक पड़ा बुलंद है तो दूसरा पला पस्त करता है इसी तरीके से इंसान जो है उसके सर को बुलंद और पाँव को पस्त करता है तो वह है कि अल्लाह तबारक व ताल खासा है कि पस्त करने वाला अलाफिज हो ख़ा अली फ़ा और दुआत ये खाफि दुआ तो ये जो है नाम बड़ा अजीब गरीब है इसके जो है वो अदद ये चौदह सौ इक्यासी फोटीन हंड्रेड एटी वन चौदह सौ इक्यासी हैं और इसका जो है वो मुफरत अदद है फाइव पाँच पाँच इसका मुफरत अदद है ज़ाहिर जब इसका विरद शुरू होगा तो हर पाँच दिन के अंदर हो सकता है कि इस नाम का इजलाल आप पर हो और उसके मुनाफे दायर हों जहाँ तक इसके फ़जायल फ़वायद का ताल्लुक़ है तो पहला एक फ़ायदा यह है कि किसी भी किस्म की कोई हाजत कोई ज़रूरत है ख़ास पर माली को ज़रूरत है माली तंगी उसको दूर करना मकसूद है तो चाश्त के नवाफिल अदा करें चाश्त के कम से कम चार नवाफिल या आठ नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा तो ये अदा करें अदा करने के बाद ये अलफिजू जो है इसको या खाफिज़ु के साथ भी पढ़ सकते हैं या अलफिज़ु के साथ भी पढ़ सकते हैं अली फ़िल्म के साथ ये पाँच सौ मरतबा पढ़ना है फाइव हंड्रेड टाइम पढ़ना है बिफोर एंड आफ्टर अलेवन टाइम द्रोथ ये पढ़ के दुआ करनी है और ये एक हफ़्ता करें एक हफ्ते में देखें क्या तब्दीली है फिर दो हफ़्ते तो इस तरीके सात हफ्ते जो है किसी भी किस्म की माली जरूरत और तंगी के लिए जब करेंगे तो ज़बरदस्त इसमें तासीर है अल्लाह तबारक मतलब गैब से हाजत पूरी कर देते हैं और दूसरी इसके अंदर तासीर के कोई परेशानी लाइक हो गई है और परेशानी से छुटकारा नहीं होता किसी किस्म की जिसमानी रूहानी या मालियाती या ख़ानदानी नफसियाती कोई ऐसी परेशानी लग गई है तो उसके लिए वो आदमी अपने नाम का आदत निकाले तो अपने नाम की आदत निकाल के उसके मुताबिक इसका वेद करें, और अगर अपने नाम की आदत पता नहीं है तो फिर तीन सौ तेरह मरतबा पढ़ ले तो दौर का तमाजी हाजत अदा करे ये ज़ोर की बात करे या मगरब की बात करे दौर का नमाज हाजिर अदा करके उसके बाद ये अल खाफिदु या, 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 या खाफिदु का विरध जो है तीन सौ तेरह मरतबा करे अवलाखी ग्यारह मरतबा दुरूशीफ के साथ ये पढ़ के जो है उस परेशानी और तकलीफ़ के हवाले से दुआ करे और ये फोर्टी वन डेज पाबंदी के साथ करे इन श्रा बहुत मुजरब है कि उससे पहले ही अल्लाह तबारक वाली उस परेशानी व मुसीबत से छुटकारा दे देंगे और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त इसमें मुकदमे में कामयाबी करी है मुकदमे में कामयाबी के लिए अगर चाहता है कोई तो तीन रोज़े रखे मुसलसल अच्छा। आ, उस वो बंदा जिस पर यह मुकदमा हुआ है या उसका कोई खूनी रिश्तेदार उसकी माँ है भाई है बाप है तो खूनी कोई भी रिश्ता वो जो है तीन रोज़े रखे तीन रोज़े रखने के बाद जो है वो चौथे दिन जो है सत्तर हज़ार मरतबा का इसका ख़त्म करना है अच्छा हाँ उसमें घर के सब अफरा बैठ जाए तो सत्तर हज़ार का ख़त्म करें या खाफू या खाफू या खाफू अवलाखी ग्यारह मरतबा सब लोग दुरुषित पढ़ें और सत्तर हज़ार ख़त्म करके इज्तिमाही दुआ कर लें बस गोया कि ये चार दिन का मल है अल्लाह की रहात से गैप के ख़जाने से मदद होती है और मुकदमे में कामयाबी हो जाएगी अब अगर ये कि इज्तिमाही तौर पर मुमकिन ही अकेला ही आदमी है तो उसके लिए के तीन रोजे रखे और हर नमाज में तीन दिनों में हर नमाज के बाद सत्तर मरतबा या ख़ाफिजों का वद करें सत्तर मरतबा या खाफिज़ों का ख़िजुद करें उससे क्या होगा वो तीन दिन के अंदर जो है इनशाला उसके बाद जैसे मुकदमे की डेट आएगी अल्लाह तबारक वार मुकदमे में इसको बरी कर देंगे बाईस और तो कामयाब करेंगे अच्छा ये एक तरीका है और एक इसमें कोई दुश्मन से छुटकारे के लिए दुश्मन बड़ा मोजी है सताता है परेशान करता है और हर मौके पे इस पे रुकावटें डालता है बाद जब ख़ानदानी तौर पर दुश्मन पैदा हो जाते हैं बाद दाएं बाएं के लोग दुश्मन हैं या कोई ऐसे कारोबारी तजारती दुश्मन है तो किसी भी किस्म का दुश्मन मोजी हो या गैर मोजी हो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इसके नाम के अदद के मुताबिक यानी चौदह सौ इक्यासी फोटी हंड्रेड एटी वन टाइम ये या हाफजों का विरद करना है और अवला की मरतरशीफ ये पाबंदी के साथ जो है फोर्टी वन डेज़ की नियस से शुरू कर लें किसी एक नमाज के बात करें या जो ज़ोर के बात कर लें ईशा के बात कर लें करके जो है वो दुआ कर ले तो किसी किस्म का भी दुश्मन होगा अल्लाह तबारक वाता और दुश्मन को पस्त कर देंगे और जो जेर कर देंगे और इसको दुश्मन पर कामयाबी होगी ये इसके अंदर बड़ा नफा है और एक तासीर बड़ी अच्छी है कि अगर कोई बसरत हर वक्त इसका विध रखे तो हर तरह के जुलम से महफूज रहेगा कोई इस पर जुलम नहीं डाल सकेगा कोई इस पर ज्यादी नहीं कर सकेगा कोई इसके काम में रुकावट नहीं डाल सकेगा या हर व्याफजू या ख़ाफों के विद रखे अल्लाह तबारकबाद ऐसे शख्स को जो इसका बदखा है उसको इसके सामने पस्त रखेंगे और इसके कामों में रुकावट नहीं आने देंगे तो कसरत से इसका विध रखे जब भी आए याद आए तो या खाफू या खाफू पड़ता रहे ये इसके फजायफ़ और जहाँ तक ख़्वा तबीर का ता ताल्लुक है अगर लिखा हुआ देखा सुना या आवाज़ सुनी तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताल इसके दुश्मनों को ज़ेर कर देंगे और इस वक्त ये किस जिस मुसीबत और परेशानी में है अल्लाह उस परेशानी से उसको निकाल कर इसको मरतबर बुलंदतीफ़रमा देंगे खॉब ताबीर भी इसकी बहुत उमदा है माशा बहुत खूब बहुत ही अच्छे इसके मुनाफ़े हैं अलहमद तो नाजिन ये थे अलखाफित के फ़ायदे अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमारे जिंदगियों का हिस्सा बनाए